सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप सभी का मैं अभिनंदन और अभिवादन करता हूं इटर्नल वॉइस पेज फेसबुक पर। आनंदा के अष्टम पाठोत्सव का शुभारंभ हो रहा है 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, और 3 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक नवरात्रि का बहुत रम्य कार्यक्रम, माँ भगवती की स्थापना महोत्सव, श्रीमद देवी भागवत कथा, नित्य हवन, माँ की रसोई, गरबा और माँ की भव्य आरती और माँ का 10 दिवस का अलौकिक श्रृंगार दर्शन जो आपने आज तक कभी न किया होगा, ऐसा दर्शन आप रोज करेंगे। माँ भगवती जगदम्बिका कालिका भवानी महासरस्वती आनंदा में विराज रही हैं और ब्रोफॉस फॉल्स के वर्लपूल के सामने हम खड़े हैं, जिसमें यदि कोई बंदा गिर जाए तो यहाँ पे बचने की संभावना नहीं है। मुझे कालरा जी यहाँ तक ले आए हैं और हम नीचे वर्लपूल के बिल्कुल बगल में खड़े हैं जहाँ लोग आने के लिए लालायित हैं। बहुत से लोग हमारे कारण रुके हुए हैं, तो मैं आपको नवरात्रि के लिए आनंदा के अष्टम पाठोत्सव के लिए 22 को मैं सुबह पहुंचूंगा और शाम को हनुमान चालीसा का पाठ होगा। संपूर्ण हनुमान चालीसा हम भाव और श्रद्धा से गाएंगे और फिर 23 को रुद्राभिषेक है, 24 को सुंदरकांड है, बुधवार को सुंदरकांड है, गुरुवार को विष्णु सहस्रनाम है, शुक्रवार से लेकर सोमवार तक श्री भक्त प्रकाश जी का पाठ है, 2 तारीख को श्रीराम शरणम में श्रीमृतवाणी सत्संग और गुरुदेव के जन्मोत्सव पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी, और उसके तुरंत बाद 3 से 12 तक शरद नवरात्रि पर माँ की स्थापना का महोत्सव और दशहरे का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। मैं आप सभी का अभिनंदन और अभिवादन करता हूँ। हम यहाँ से गाइजर्स पे जा रहे हैं, गल्फ हाउस पे जा रहे हैं, जहाँ आप जाकर एक और अलौकिक दृश्य देख पाएंगे। जुड़े रहिए फेसबुक इटर्नल वॉइस पर, क्योंकि अभी हम कई बार आज के दिन में लाइव आएंगे और आने वाले 4 दिन और 20 तारीख तक लगातार लाइव का सिलसिला जारी रहेगा। जुड़े रहिएगा, तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।